और एक बड़ी खबर मिल रही है रामपुर से, जहां पर एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से जयप्रदा को बड़ी राहत मिली है। जयप्रदा को जारी वारंट कोर्ट ने वापस ले लिया है और जयप्रदा ने वारंट रिकॉल करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया था और कोर्ट ने जयप्रदा के प्रार्थना पत्र को मंजूरी दे दी है और 20,000 के 4 जमानती के साथ में ये मंजूरी दी गई। अब हर तारीख पर कोर्ट में मौजूद होंगी जयप्रदा और 6 मार्च को अगली सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में। और जयप्रदा को कोर्ट ने पिछली तारीख को फरार घोषित कर दिया था और फरार घोषित करने के बाद में आज कोर्ट में पेश हुई थी जयप्रदा। आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में जारी हुआ था एनबीडब्ल्यू का वारंट और करीब 7 बार जारी हो चुका था ये वारंट। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले का ये पूरा मामला, जिसके बाद में वारंट जारी किया और जब पेश नहीं हुई जयप्रदा तो उसके बाद में वारंट भी जारी किया गया। अब ये तस्वीरें हैं आज की, जब जयप्रदा पहुंची थी कोर्ट, जिसके बाद में कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ में विशाल सक्सेना जुड़ गए हैं। विशाल, एक बड़ी राहत कह सकते हैं जयप्रदा के लिए, आखिर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए कोर्ट के तरफ से जयप्रदा को एक राहत मिली है, क्योंकि जयप्रदा के 2 आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले दर्ज हुए थे जो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान थे, सोहार कोतवाली में और कैमरी के थाने में। लेकिन जयप्रदा के कई बार इस मामले में कोर्ट के बुलाने के बाद भी जब कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी तो कोर्ट ने उनके एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किए और एक के बाद 7 वारंट जो थे एनपीडब्ल्यू जयप्रदा के जारी हुए। जब जयप्रदा उनके वारंटों के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुई तो कोर्ट ने उनको फरार घोषित किया और साथ ही रामपुर एसपी को पत्र आदेश दिया कि वो उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें, जिसके बाद आज तारीख थी जयप्रदा 6 तारीख, उसमें 6 मार्च लगी थी, 6 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन उस तारीख से पहले ही आज जो थी जयप्रदा 2 दिन पहले ही कोर्ट में पेश हुई और उन्होंने कोर्ट में एक रिकॉल प्रार्थना पत्र दिया कि जो उनके वारंट कटे हुए हैं उनको निरस्त किया जाए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी। तो उनके वकील के द्वारा जो जयप्रदा कोर्ट में पेश हुई और कोर्ट में पेश होने के बाद जो रिकॉल वारंट जो था जो उन्होंने जयप्रदा की तरफ से तबीयत का हवाला दिया गया और पिछली कई तारीखों को जो पेश नहीं हुई थी, जिसके बाद में एक बड़ी राहत जयप्रदा को यहाँ पर मिल गई है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विशाल आपका। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन साइबर ठगी करने के बाद चीनी गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 1 चीनी नागरिक, 1 नेपाली नागरिक और 1 भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड का खेल कंबोडिया से संचालित हो रहा था। चीन का नागरिक अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। IBATS, SSB सहित कई एजेंसियां मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। इन लोगों के पास से 531 एक्टिव भारतीय सिम कार्ड, 4 पासपोर्ट, 9 मोबाइल फोन, 11,000 नेपाली मुद्रा, 94,000 रुपये भारतीय मुद्रा, शंघाई का बोर्डिंग पास और कई ID कार्ड बरामद किए गए। पीलीभीत के पूरनपुर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में बदमाश बाबर खान ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश बाबर खान के दाहिने पैर में गोली लग गई और वहीं दूसरा बदमाश जावेद भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बाबर के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। घायल बाबर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनांक 4 मार्च 2024 को रात्रि समय लगभग 25 मिनट पर थाना पूरनपुर पुलिस के द्वारा घुमचाई रोड पर गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराधियों के द्वारा लूट की योजना बनाई जा रही है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा उनको घेराबंदी करना शुरू किया। घेराबंदी के दौरान अभियुक्त बाबर खां पुत्र जब्बार खां के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया गया, जिसमें पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा कार्रवाई में जवाबी फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त बाबर के दाहिने पैर में गोली लगी। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।